और इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते चले, सीएम शिवराज का बड़ा बयान सामने आया है। इंदौर बावड़ी हादसे को लेकर दिया गया बयान, जहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि उसी जगह पर फिर से मंदिर बनेगा। लोगों की भावनाओं को देखकर ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है और इसी के तहत मंदिर फिर से उसी जगह पर बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों की वजह से वो मंदिर तोड़ा गया था। मंदिर पुराना था और लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ था। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बयान दिया गया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से आपको बताते चले कि मंदिर में हादसा हुआ, उस हादसे के बाद मंदिर को हटाया गया, उसके बाद उनकी तरफ से बयान दिया गया और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि उसी जगह पर फिर से मंदिर बनेगा, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर फिर से ये मंदिर बनेगा। आपको बताते चले कि रामनवमी के दिन बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी की छत गिरने से 36 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद इस पर एक्शन लिया गया और एक्शन के तहत उस मंदिर को तोड़ दिया गया और जिसके बाद लोगों का आक्रोश यहां पर देखने को मिला था और उस आक्रोश के बाद ये मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिया गया है। इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद बेलेश्वर मंदिर में बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया था और अब उसी जगह पर सरकार दोबारा मंदिर का निर्माण करवाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंदिर काफी जर्जर हो चुका था, सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर को तोड़ा गया। मंदिर में रखी प्रतिमाओं को विधि विधान के साथ दूसरे स्थान में रखा गया है, लेकिन अब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर दोबारा उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा ताकि लोग वहां पर आकर फिर से पूजा पाठ कर सके। लेकिन वहां मंदिर बहुत पुराना था, छोटा था लेकिन पुराना था। कई वर्षों से वहां पूजा श्रद्धालु जन कर रहे थे, पूरे विधि विधान और पूजा के साथ प्रतिमा दूसरे स्थान पर स्थापित मंदिर में की है। लेकिन मुझे यह उचित लगता है कि पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए और सामंजस्य और सद्भाव के साथ वहां फिर से मंदिर स्थापित कर दिया जाए ताकि कॉलोनी वासी वहां फिर से पूजा और अर्चना कर सके। तो देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस मंदिर को दोबारा से बनाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर जब अवैध निर्माण की जानकारी लगी तो मंदिर के अवैध निर्माण को तोड़ा गया, लेकिन वापस से लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस मंदिर को वहीं बनाया